हाय गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल में आपका वेलकम गाइस। मैं आज बात करने वाला हूँ बस के इलेक्शन के बारे में, यानी कि ये है बड़ी बस और इधर हमारे पीछे खड़ी छोटी बस। काफ़ी लोग का सवाल ये आ रहा था कि कतर के अंदर क्या जो बड़ी बस वाले ड्राइवर हैं उनका लाइसेंस क्या छोटी बस में चल जाता है या नहीं चलता है। तो भाई, मैं यहाँ पर हमने बस ड्राइवर से बात किया, तो बस ड्राइवर अभी खाना खाने गए हुए हैं और उनसे हमने बात किया, तो बता रहे कि जो बड़ी बस का जो लाइसेंस है वो तो छोटी भी बस चला सकते हैं और बड़ी भी बस चला सकते हैं, और दूसरी चीज़ छोटा ट्रक भी चला सकते हैं, जैसे अपने यहाँ बोलते हैं DCM या पिकअप, ये भी चला सकते हैं जिनके पास बड़े बस का लाइसेंस है। छोटी बस भी चला सकते हैं, बड़ी बस। तो भाई, यहाँ पर बड़ी बस का लाइसेंस आपके पास है तो बड़ी बस भी छोटी बस भी चला सकते हो, कोई भी बस चला सकते हो। बस में जितनी भी गाड़ी आती हैं आप चला सकते हो, बस के यानी ड्राइवरिंग कर सकते हो कतर के अंदर, अगर आपके पास बस का लाइसेंस है, बड़ी बस का लाइसेंस है तो छोटी भी बस चला सकते हो और अगर बड़ी भी बस चला सकते हो, यानी कि दोनों बस चला सकते हो और छोटा ट्रक भी चला सकते हो, यानी कि तीन आइटम आप चला सकते हो, यानी कि तीन चीज़ में ड्राइविंग लाइसेंस इस्तेमाल कर सकते हो। और जो इनका सैलरी होता है, जो इनका पगार होता है, हमने बात किया था इस भाई साहब से बात किया था, तो भाई साहब ने बताया कि बस का जो बड़ी बस का ड्राइवर का सैलरी होता है 3000, बोलते हैं हमारे कंपनी का 3000 रियाल यानी सैलरी है, यानी कि इस बस का बड़ी बस का 3000 रियाल सैलरी है जो ये बस के ड्राइवर भाई साहब हैं, तो 3000 सैलरी बताया है। और जो छोटी बस का है तो भाई छोटी बस में का जानकारी नहीं, बोलते ये बस का भी 2500 से 3000 रियाल के बीच में सैलरी होती है। अगर आप बस के डिलीवरी करने आते हो कतर के अंदर तो आपकी सैलरी 2000 से लेकर 3000 के बीच में होगी। अगर आपके पास लाइसेंस है तो आप 3000 साढ़े 3000 रियाल भी पा सकते हो। अगर आप नए हो, नए तरीके से आते हो इंडिया से या कहीं पाकिस्तान से या बांग्लादेश से या कोई और कंट्री से आते हो, नए सीरियल से यहाँ आपका लाइसेंस बनता है, तो आपका यहाँ पर 1800 से स्टार्ट होगा नए के हिसाब से। उसके बाद आपका पगार 3000 2500 के करीब आ जाएगा, यानी पार कर जाएगा। तो अगर आप इंडिया से या पाकिस्तान या बांग्लादेश से कहीं से आना चाहते हो तो आपको पहले यहाँ पर गाड़ी सीखना पड़ेगा, बस सीखना पड़ेगा, उसके बाद आपका लाइसेंस बनेगा, उसके बाद आपको यहाँ पर बस दिया जाएगा। ये नहीं कि आप वहाँ से डायरेक्ट आते हो यहाँ पर बस चलाने लग जाते हो, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप कहीं से भी आते हो कतर के अंदर जॉब करने बस का, पहले आपका यहाँ लाइसेंस बनने का इंटरव्यू होगा बराबर से। इंटरव्यू होने के बाद जब आप पास हो जाते हो तभी आपका लाइसेंस यहाँ पर मिलेगा। तो दोस्तों, ये रही छोटी सी जानकारी, और हमारी जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, क्योंकि काफ़ी लोग का सवाल भाई आ रहा था कि बड़ी बस का जो ड्राइवर होता है क्या वो छोटी गाड़ी भी छोटा बस भी चला सकता है, या जो छोटा बस होता है क्या बड़ी बस भी चला सकता है। तो भाई दोनों बस चला सकता है, बस का कोई भी हो और छोटा ट्रक भी चला सकता है, यानी कि एक लाइसेंस तीन जगह काम कर सकता है आपका। अगर आपके पास कतर का लाइसेंस बन जाता है भाई तो बहुत बेहतर है, बहुत अच्छा है। और क्योंकि लाइसेंस बन गया तो आपका वैल्यू, डिमांड और आपकी पगार भी बढ़ जाती है, हर जगह आपकी इज्जत होती है। तो ये रही छोटी जानकारी। हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और यहाँ का कुछ इस तरीके का लोकेशन है, आप लोग देख सकते हो, ये तो दोस्तों देख सकते हो ये लोकेशन चांदतारा वाली बिल्डिंग है, और शायद यहाँ पर काम चालू ही है, पीछे साइड इधर पे लास्ट में काम चालू है, तो ये अपने लेबर लोग को लेके आए हुए थे यहाँ पर, तो हमने इनसे बात किया। तो बात करने के बाद ये बताए सारी स्टोरी।